गुड मॉर्निंग। तो पहुंच गए उज्जैन। कल रात में आए थे रूम लेके, हम लोग यहाँ पे रेस्ट किया, खाना पिया खाया और फिर सो गए। कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ये नीचे सड़क देख रहे हैं, ये चौराहा है और इस जहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं, और इसी चौराहे से अंदर रास्ता घूम जाता है और जहाँ पे ये बड़ी सी लाइट लगी हुई है ऊँची सी, ये यहाँ पे ही महाकाल मंदिर है। तो बहुत ही नज़दीक है महाकाल मंदिर के। अभी योगा सेशन सुबह सुबह, अच्छा मौसम है, बादल हैं, थोड़े थोड़े हवा चल रही है, बहुत ज़रूरी है योगा सेशन पहले करते हैं रोज़ सुबह, और उसके बाद फिर महाकाल जी के दर्शन और फिर आगे बढ़ेंगे। तो अच्छी खासी धूप हो गई है, गर्मी आ गई, सूरज देवता चमक गए हैं। कहाँ गए वो पीछे। चल के पोहा जलेबी खाया जाए, सब्जी पूरी पोहा जलेबी, वाह वाह वाह। चलो नहा दो कर तैयार, चलते हैं अब महाकाल दर्शन। तो ये पता चला है कि शिवरात्रि कल थी, तो आज भस्म आरती 12 बजे होगी, 12 बजे नहीं 1 बजे होगी, तो उसके बाद मंदिर खुलेगा। फिलहाल के लिए मंदिर बंद है, तो बाकी कुछ जगह बताई हैं तो वहाँ पे जाएंगे। चलो चलते हैं, प्लान चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी आ गए हैं रामघाट। तो उज्जैन शहर जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्षिप्रा नदी के इसी घाट पे कुंभ मेले का आयोजन जो होता है वो भी इसी घाटों पे, इन्हीं घाटों पे होता है, इन्हीं के आसपास कुंभ का सारा कार्यक्रम संपन्न होता है उज्जैन में। बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी धर्मशालाएं हैं यहाँ पे, जिसको आप अगर यहाँ आते हैं तो विजिट कर सकते हैं। अहमदाबाद के पास में यहाँ क्या भाग भी नहीं के लिए अपने देश से पहले यहाँ पे मैं पहली बार भी है। तो कुछ इस प्रकार हुए महाकाल जी के दर्शन, जिसमें भीड़ बहुत थी, काफ़ी मैनेज्ड है, ट्रेवलिंग है वो काफ़ी दूर रहता है और दूर से खड़े होकर उनके दर्शन किए जाते हैं। जो एनर्जी है, जो जोश है लोगों के अंदर, वो गजब का है। जय महाकाल, जय महाकाल।
महाकाल के दर्शन हो गए तो अब काल भैरव के दर्शन जरूरी हैं अगर आप उज्जैन में हैं। तो ये मेरे पीछे सारी प्रसाद की दुकानें हैं, यहाँ से काल भैरव का प्रसाद खरीदेंगे और फिर अंदर चलते हैं। पूरे प्रिकॉशन के साथ में काल भैरव बाबा के दर्शन हो गए हैं और बहुत अच्छे से आराम से, ज़्यादा भीड़ नहीं है। काल भैरव बाबा के दर्शन हो गए हैं और अब जा रहे हैं मंगलनाथ मंदिर की तरफ। भैरवनाथ के पास में स्थित ये एक मंगलदीप मंदिर है, इसको भी विजिट किया जा सकता है। ये क्षिप्रा नदी के जस्ट ऊपर बसा हुआ है, तो क्षिप्रा नदी यहाँ से बहती हुई और मंगलदीप मंदिर जो है वो यहाँ पीछे। तो पहुँच गए हैं महर्षि सांदीपनी आश्रम। तो महर्षि सांदीपनी आश्रम वो आश्रम है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने शिक्षा ली थी। तो सांदीपनी ऋषि भगवान कृष्ण के गुरु थे। भगवान कृष्ण, सुदामा और बलदेव ने शिक्षा ग्रहण करी थी। इसको अब काफ़ी कुछ एज ए म्यूजियम बना रखा है, कन्वर्ट कर दिया है और आप इसको विजिट कर सकते हैं। तो अगर आप उज्जैन में हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर विजिट करें और देखें कि भगवान कृष्ण ने कैसी जगह पर क्षिप्रा नदी के किनारे शिक्षा ग्रहण करी थी। फिर से महाकाल जी के दर्शन कर लिए, पूरी भीड़ में लग के आरती भी देखी, पूरा एंजॉय किया। तो सबसे बेस्ट है कि आप सुबह में करें या ना करें, आप दिन में घूम टहल के आए और शाम के वक्त आप महाकाल जी की जो आरती होती है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। और सच में बहुत मज़ा आया, लव्ड इट, आई लव्ड इट, बहुत बढ़िया, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ गस्ट। दो आधा किलो के दिन में आया था, ये काउंटर बहुत बिजी था। अभी बिल्कुल खाली है, बिल्कुल वॉक इन, आराम से आइए, लड्डू उठाइए, घर जाइए। तो दर्शन हो गए बहुत इत्मीनान से, वापस रूम पे आ गया हूँ। सबसे मुझे अच्छी बात की खुशी है, ये लड्डू जो कि बहुत भोग प्रसाद है भगवान का, भगवान महाकाल का, वो मिल गया मुझे और कोई लाइन नहीं लगानी पड़ी। बहुत ही आराम से थोड़ा चेंज करके खाना खाएंगे, कल सुबह रवानगी, वापस जाने की दिल्ली के लिए।
कोशिश करेंगे कि कल यहाँ से निकलकर आगरा तक पहुँच जाएँ, और फिर वहाँ से 200 किलोमीटर बचेगा आगरा से दिल्ली, तो वो कवर कर लेंगे आराम से। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी, अब कल मिलेंगे, बाय बाय।